the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so let's talk about breast mammography so we will talk about ultrasound of the breast ultrasonic mammography right अल्ट्रासाउंड के द्वारा ब्रेस्ट की मेमोग्राफी की जाती है जी हाँ वो भी की जाती है और नॉर्मल मेमोग्राफी uh, भी की जाती है नॉर्मल मेमोग्राफी जो एक्सरे के द्वारा की जाती है वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो उसमें कवर कर रखा है और आज हम बात करेंगे पहले अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेमोग्राफी या जिसको दूसरी भाषा में ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं सो so, ब्रेस्ट <clears throat> का अल्ट्रासाउंड एक्सरे से ज़्यादा मेमोग्राफी से ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसमें आ, कोई एक्सरे रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इसमें साउंड वेव्स यूज हो रही हैं एंड साउंड वेव्स से ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जा रहा है कि ब्रेस्ट में क्या इश्यू है सो so, इसको करने के लिए ऑब्वियसली ब्रेस्ट को अल्ट्रासाउंड वेव से जैसे पेट में अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे ही ब्रेस्ट के ऊपर प्रोब लगा के एक रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज करने के लिए कहा जाएगा अल्ट्रासाउंड मशीन जो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर आपके ऊपर लगा के चेक किया जाएगा जिससे कि साउंड वेव्स निकलती हैं और आपके ब्रेस्ट के टिश्यू में गहराई तक जाके टिश्यूज के टकरा के वापस आ जाती हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ब्रेस्ट की टिश्यू कैसी है और ब्रेस्ट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है राइट right. सो so, <coughs> इसके लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं लगता है कोई खास कि आपको आ, खाना नहीं खाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा या जो भी भूखे पेट रहना है ऐसा कुछ नहीं है बस दो चीजों का ध्यान रखना है सारी की सारी ज्वेलरीज हटा देनी है इस नेक के ऊपर से चेस्ट एरिया के ऊपर से और नंबर दो डिओड्रेंट नहीं लगाना है अंडर आर्म्स में या कहीं भी डिओड्रेंट नहीं लगाना है या स्प्रे या कुछ नहीं लगाना है ये बात आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है वो थोड़ा सा रिजल्ट्स में इंटरफेयर कर सकता है मतलब विजिबिलिटी कम कर सकता है फिर अल्ट्रासाउंड में क्या क्या मिल सकता है और यह बिल्कुल एक अपने मेमोग्राफी के जैसे मिल सकता है ब्रेस्ट एम भी होती है एक तरीके से मेमोग्राफी के जैसे ही अल्ट्रासाउंड के जैसे ही एक्सरे के जैसे ही एम भी होता है ब्रेस्ट का और इसमें जो ढूंढते हैं हम वो क्या क्या ढूंढते हैं एक तो ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है गांठ कोई लंप ब्रेस्ट में तो अगर कोई लंप मिलता है तो उसका फिर अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ये लंप कैसा दिख रहा है अंदर से वॉट इज द मोस्ट लाइकली कॉज क्या रीजन है गांठ का राइट right. फैल रहा है साइज श्रेप शेप स्ट्रक्चर कैसा है अंदर कंटेंट क्या है गांठ के अंदर सब देखा जाता है फिर अगर मान लो कोई एबनॉर्मल मेमोग्राफी में एक्सरे में एबनॉर्मलिटी पकड़ में आती है तब भी तब भी ये करके देखते हैं अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड इज एन ऑप्शन और अगर निप्पल से ब्रेस्ट के निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है कोई ब्लड ब्लड निकल रहा है या इवन क्लियर फ्लूड निकल रहा है तब भी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा कि अगर कोई मास है तो क्या वो सॉलिड है पूरा का पूरा अंदर या फिर उसमें पानी भरा है सिस्टिक है ये देखने में मदद करेगा कि ग्रोथ जो है वो क्लियर है उसके अंदर कोई ब्लडी कोई फ्लूइड है कोई या फिर अगर कोई निप्पल आ रहा है निप्पल से ब्लड आ रहा है तो क्या अंदर कोई गांठ कोई ग्रोथ तो नहीं है कोई ट्यूमर तो नहीं है ये देखने में मदद करेगा और कई बार अगर हमें उस गांठ से एक सैंपल लेना हो बायोप्सी लेना हो तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू गाइड करके मेक श्योर sure किया जाता है कि नीडल हमारी उस गांठ के अंदर हो सो so, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी या ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है नॉर्मल रिजल्ट नॉर्मल रिजल्ट का मतलब है कि ब्रेस्ट टिश्यू कंप्लीटली नॉर्मल दिखेगी कोई गांठ नहीं होगा कोई ट्यूमर नहीं होगा कुछ नहीं होगा एबनॉर्मलिटीज में सिस्ट दिख सकते हैं सिस्ट का मतलब है पानी से बड़े गुब्बारे गांठ सिस्ट सिस्ट दिख सकते हैं फ्लूइड फिल्ड फाइब्रोएडिनोमास दिख सकते हैं ये नॉन कैंसरस सॉलिड ग्रोथ होती है फाइब्रोएडिनोमा मल्टीपल हो सकते हैं ब्रेस्ट के अंदर और फैट की गांठ भी हो सकती है चर्बी की गांठ जिसे लाइपोमा कहते हैं लाइपोमा भी नॉन कैंसरस होता है लंप जो बॉडी के अंदर ब्रेस्ट के ऊपर या कहीं पे भी आ सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर भी दिख सकता है कैन ऑल्सो बी सीन बाय अल्ट्रासाउंड और कई बार ऐसा भी होता है कि आगे फिर आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला जाए मान लीजिए अगर ब्रेस्ट का कोई लंप रिमूव कर दिया गया है कोई फाइब्रोएडिनोमा या एलाइपोमा निकाल दिया गया एक्सीजनल ब्रेस्ट बायोप्सी की गई है मतलब उसमें से गांठ निकाल दी ऑपरेशन कर दिया तो ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद रिपीट करके देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड कि अंदरूनी अंदर कहीं कोई और गांठ पनप तो नहीं रही है वहां पास वापस कोई गांठ तो नहीं आ गई है और ओपन और सर्जिकल ब्रेस्ट बायोप्सी में भी कई बार फॉलोअप करके यही चीज की जाती है फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टीरियोटैक्टिक ब्रेस्ट बायोप्सी इसमें क्या है एक मशीन बायोप्सी लेती है जो मैमोग्राम के जैसे की एक मशीन होती है जो नीडल बायोप्सी नीडल डाल के जहां गांठ लोकेट करते हैं, उसके अंदर से डायरेक्ट खुद से खुद बायोप्सी ले लेती है रोबोटिक टाइप स्टीरोक्टिक ब्रेस्ट बायोप्सी और ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड गाइडेड खुद एक पर्सन तो बायोप्सी ले, ही सकता, है, एक डौक्टर, डौक्टर ले ही सकता है अच्छी बात यह है कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड का कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है देर इज नो रेडिएशन एक्सपोजर कितनी भी बार कर सकते हैं बार बार कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सो ब्रेस्ट मेमोग्राफी में एक्सरे यूज होता है वहां पर आयोनाइजिंग वहाँ पे रेडिएशन यूज़ होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर या एज अ स्क्रीनिंग करा जा सकता है ऐसा नहीं कर सकते कि हर चौथे दिन में या हर महीने में उसको रिपीट कर करके देखें जबकि अल्ट्रासाउंड में ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप मल्टीपल बार रिपीट कर करके देखें कि आपके ब्रेस्ट में कोई लम फिर से ग्रो तो नहीं हो रहा सो रिपीटेशन कैन बी डन विद दिस टेस्ट बट नॉट विथ दी अदर टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना था एंड एज यूजल इस वीडियो को इस टॉपिक के बारे में भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं जितने भी आपके सवाल हैं हम कोशिश करेंगे सबके जवाब देने की और लाइक जरूर बटन दबाना है लाइक दबाते रहते हैं शेयर करते रहते हैं तो लोगों को पता चलता है कि भाई ऐसा कंटेंट भी है मार्केट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं लोगों को पता होनी चाहिए सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट अः मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेमोग्राफी अगर कोई सवाल है तो जरूर बताइए थैंक यू सो मच चलिए